अजकल आप यूट्यूब दे उते अजिहे बहुत सारे चैनल देखते हाँ जिस दे विच लोग लोड़वंदा नूं पैसे खाना पीना कपड़े जां फिर होर चीज़ां दे नाल सहायता करके वीडियो बनाउंदे हन। अजिहा अजकल ट्रेंड दे विच आ चुकिया है। चंगा भी है, गरीबां दी सहायता हो जाती है। अजिही एक घटना जलंधर शहर की है जिथे परमात्मा खुद एक गरीब की सहायता वास्ते पहुँच गया। परमात्मा आया भी एक अजिहे रूप दे विच कि जिसने भी सुनिया वह दंग रह गया ते यकीन करना मुश्किल हो गया। जलंधर शहर बस स्टैंड के कोल एक बुजुर्ग पति पत्नी रेहड़ी लगा के रोटी पानी बेचते हैं। बुजुर्ग जोड़े की उम्र करीब 60 साल की होगी। पति अखां तो हीणा है। पत्नी सारा काम रोटी सब्जी बनाउंदी है ते घरवाला उसकी भांडे सफाई करन दे विच मदद करता है जां फिर होर छोटे मोटे काम करके उसकी मदद करता है। हालात बदलदिया समा नहीं लगता। कहिंदे हन कि रब कखां तो लखां दे विच ते लखां नूं कखां दे विच बनाउण दे विच समा नहीं लगाउंदा। रंक तो राजा ते राजे तो रंक बनन दे विच समा नहीं लगता क्योंकि यह सब कुछ उसके हुक्म दे विच ही चलता है। सो बुजुर्ग पति पत्नी कुछ समय तो इत्थे ही रेहड़ी लगा के अपना रोटी पानी चला रहे ने। अजिहा दस्या जाता है कि पहला उसकी पति की हिमाचल दे विच काफ़ी समा पहला वधिया कारोबार सी। उन्हां दी पार्किंग दे लई जगह सी जिथे वह गड्डियां पार्किंग का काम करते सी ते वह काम भी काफ़ी ज़्यादा सी। उसी कमाई दे नाल उसने अपना घर बनाया, अपनी लड़की का विआह किया ते लड़के नूं वधिया पढ़ा के काम ते लगाया। उसका लड़का अज भी गुड़गावां दे विच एक वधिया कंपनी दे विच चंगी पोस्ट दे उत्ते काम कर रहा है ते उसकी लड़की जलंधर शहर दे विच ही ब्याही गई है। पर करमां दी अजिही मार पई कि हुण बुजुर्ग जोड़े दे कोल दवाई लैण तक दे पैसे नहीं हन। लड़के ने उदों ही उन्हां दे नाल रिश्ता तोड़ दिता जदों उसका बाप हौली हौली करके अखां तों हीणा हो गया ते उसका काम भी छुट गया। माँ नूं दिल की बीमारी लग गई ते उसका लड़का गुड़गावां दे विच ही विआह करवा के रहण लग्या पर उसने अपने माता पिता की सार नहीं ली। यह भी दस्या जाता है कि कई दिन वह बुजुर्ग जोड़ा सड़कों के उत्ते रहने लिए मजबूर हो गया। उन्होंने लड़की जलंधर के एक चंगे घर के व्याई गई सी। कहते हैं कि पुत कबूता हो जाते हैं पर धियां अपने मापियां का साथ कभी नहीं छड़दियां। पर इत्थे तां धी ने भी अपने माता पिता नूं सड़क के उत्ते रहने लिए मजबूर कर दिता। माँ ने अपनी लड़की नूं दवाई वास्ते पैसों के लिए कहा तो उसकी लड़की ने पैसे तो की देने से अपनी माँ नूं बुरा भला आख्या ते उन्होंने नाल रिश्ता भी तोड़ दिता। सो इन्हां दोनों का कोई सहारा नहीं है। रेहड़ी दे उत्ते जो भी बेचते हैं उसके नाल ही उन्हां दा गुजारा हो रहा सी। पिछले कुछ दिनों तो कारपोरेशन वाले भी उन्हां नूं रेहड़ी लगाउण तो तंग कर रहे सन अते उन्हां दा कारोबार बंद होने वाला है। उपरों उसकी पत्नी भी बहुत बीमार हो गई पर उन्होंने अपना काम नहीं छड्डिया। सो परमात्मा किसी ना किसी रूप दे विच अपने बच्चों के कोल आ ही जाता है। अजिहा ही होया जदों एक नॉर्वे के टूरिस्ट की जलंधर शहर के विच इन्हां दी रेहड़ी दे उत्ते नज़र पई। जदों उसने अखां तों हीणे व्यक्ति नूं बर्तन साफ करदिआं देखिया तो वह टूरिस्ट पहला रेहड़ी के उत्ते आया खाण दे लई पुछगिछ कीती ते जदों उस टूरिस्ट नूं इस बुजुर्ग जोड़े दे हालातों बारे पता लग्या तो उसनूं बहुत अजीब जिहा महसूस होया। उसने सोचा कि औलाद इस तरह अपने बुजुर्ग माता पिता दे नाल किवें कर सकती है। यह बड़ी शर्म वाली गल है। उस टूरिस्ट ने पहला तो उत्थे खाना खाधा ते उसदे पैसे दित्ते ते फिर उसने बुजुर्ग जोड़े नूं कहा कि उन्हां दी मदद करना चाहुंदा है। उसने बुजुर्ग जोड़े नूं उस वेले $3,000 दा दान दिता अते इह कहा कि यह कोई आसान नहीं है सगों इहनां दा हक है। जदों कुछ लोगों ने उस टूरिस्ट नूं पुछया तो उसने दसिया कि यह पैसे उन्हां दी किस्मत दे ही हन क्योंकि इन्हां दी किस्मत ही है जो उसनूं सिंगापुर तो भारत जलंधर तक खिंच के लै आई। टूरिस्ट ने दसिया कि वह यूट्यूब दे उत्ते वीडियो बनाउंदा है ते वक्खरे वक्खरे देशां दे विच घूम के लोड़वंदां दी सहायता करदा रहिंदा है। इस बार भी वह सिंगापुर आया सी। इस बार भी उसने किसी लोड़वंद दी मदद करनी सी पर इस बार उसनूं कोई भी अजिहा लोड़वंद नहीं मिलिया जिस दी वह मदद कर सके। सो बिना किसी दी सहायता कीते ही वापस नॉर्वे जा रहा सी पर सिंगापुर एयरपोर्ट के उत्ते उसका बैग किसी यात्री के नाल वट गया ते वह यात्री भारत जलंधर का सी। उस बैग के विच उसका बहुत जरूरी समान सी। उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाल भी गल की पर कोई फायदा नहीं होया जिस कारण वह उत्थे सिंगापुर के विच ही रुक गया। जो उस टूरिस्ट ने वह बैग देखा तो उसके विच कुछ कागज़ पत्र सन जिस दे विच उस जलंधर वाले बंदे का फोन नंबर ते एड्रैस भी सी। फोन करन तो बाद जलंधर वाले यात्री ने उसनूं जलंधर आके अपना बैग लैके जाने वास्ते कहा। सो इस करके वह नॉर्वे का टूरिस्ट सीधा अपना बैग वापस लैण वास्ते जलंधर आ गया। इंडो कनेडियन बस के बैठ के वह जलंधर पहुँचया तो जो वह अपना बैग लैण वास्ते वापस जा रहा सी तो उसकी नज़र इस बुजुर्ग जोड़े के उत्ते पई। जो उसनूं बैग मिल गया तो उस यात्री की सहायता के नाल उसने उस बुजुर्ग जोड़े के नाल सारी गलबात की तो उन्हों की $3,000 के नाल मदद भी की। सो इस तरह वह परमात्मा एक रूप बदल के उन्होंने कोल आया। उस पैसों के उत्ते उन्हों का ही हक सी ते वह हक किंज एक बंदे नूं पंजाब ले आउंदा है इस गल तो वह आप टूरिस्ट भी बहुत हैरान है। सो उसने दसिया कि उसका नॉर्वे दे विच काफ़ी वड्डा काम है ते वह अपने धर्म की सिक्ख्या के कारण हर थां जाके गरीबां दी मदद करता है। सो उसकी कमाई का कुछ हिस्सा लोड़वंदां ते गरीबां दे लई हुंदा है
जो कि सही जगह पहुंच भी गया।